जय दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारा जो बैच चल रहा है सीटेट दिसंबर 2023 EVS। आज हमारी क्लास 4 है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पक्षियों का टॉपिक उठा रखा है, इसमें से हमने जो हमारी पक्षी में खोरा चुका हूँ उसे चील, बाज और गिद्ध, एक शक्कर खोरा, एक राष्ट्रीय पक्षी मोर, एक बसंत गोरी, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पक्षी वाला टॉपिक। इस सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्जन चिड़िया। देखो दर्जन चिड़िया का मतलब, दर्जन का मतलब होता है एक टेलर का रूप देना। ये टेलर की तरह ये पक्षी कार्य करती है। देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडा देती है, ठीक है। ये पत्तों को सी लेती है और जो उसके एक थैली नुमा आकार बना लेती है जिसमें वो क्या अंडा देती है, ठीक है। ये एक टेलर का रूप में कार्य करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो पक्षी है उसका नाम है वीवर पक्षी। देखो वीवर पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है वह उसमें अंडा देती है। देखो जो वीवर पक्षी है वो क्या करती है, जो नर होते हैं जैसे हम हैं, हम अगर कोई भी मकान बनाएंगे और हम मकान बनाएंगे तो हमारी जो हमारी फीमेल है वो उनमें से एक मकान सेलेक्ट करेगी और उसमें वह रहना पसंद करेगी। उसी तरह ये पक्षी है, जिस तरह इसमें जितने भी नर पक्षी हैं वो घोंसला बनाएंगे और मादा जो वीवर पक्षी है वो उनमें से एक सेलेक्ट करेगी और उसमें वे अंडा देगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और पक्षियों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।